केपीडी न्यूज, हक सच और इंसाफ की आवाज। केपीडी न्यूज, हक सच और इंसाफ की आवाज। हाँ जी, इधर देखो जी, अज तुसी जंतर मंतर दे उत्ते एक मीडिया दे एक स्पोर्टली तुसी एक रैली रखी हुई है, उहदे उत्ते तुसी की कहना चाहते हो? अज दा जिहड़ा धरना है वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया की तरफों रखा गया, इत्थे इस धरने च देश भर के जिहड़ी एसोसीएशन ने जिहड़े संगठन वह भी शामिल हुए हैं। करीब 2 दर्जन अलग अलग यूनियनां इकट्ठी हुई हैं इत्थे जर्नलिस्टां दीआं। अज असी 28 सूत्री मांगा दी एक मांग पत्र अपना प्रधानमंत्री नूं दित्ती है और उस ते असी डिमांड कर रहे हैं कि अपने मांगां ते गौर किया जाए और मांगों पूरा किया जाए। जी अगर तुसी एक मंग लैके बैठे हो, उस मंग दे की लग रहा है कि यह सरकार मान जाएगी? असी दो तीन मेन डिमांडा ने साड़ी। नंबर एक कि जी मीडिया तो GST खत्म होए, ऑनलाइन मीडिया ने सरकार मान्यता दे, ऑनलाइन मीडिया के जो पत्रकार ने उन्होंने सरकारी कार्ड बने, उन्होंने सरकारी विज्ञापन मिले और इस अलावा जो सा एक एक्ट है वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया एक्ट, वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट, और संशोधन होए और नए तरीके एक्ट बनाया जाए जिसे सानू उस कमेटी सानू भी शामिल किया जाए जड़ा कि संशोधन कर रही है इस एक्ट। अज इस धरने उत्ते मीडिया धरना रखा गया है कि तुसी केड़ी केड़ी मंगा लैके बैठे हो? मैं सुरेंद्र वर्मा, वाइस प्रेसिडेंट नेशनल मीडिया कॉन्फेडरेशन एंड इंडियन फेडरेशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर नूं रिप्रजेंट कर रहा। जो वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसीएशन ने चार्टर ऑफ डिमांड रखे है उसका असी समर्थन करते हैं, उसकी सपोर्ट के असी इतने आए हैं और इन्होंने जिहड़ियां सारिया डिमांड्स है उन्होंने असी सपोर्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्दी इन डिमांडा एक्सैप्ट कर। अज जिहड़ा एक धरना प्रदर्शन मीडिया वालों इत्थे रखा गया जंतर मंतर से, ते तुसी जो तुसी अपने मीडिया के तौर पर सारिया कवरेज के तौर पर सारा कुछ देखा कि तुहानू की लगता है वो की असर होएगा मीडिया पर? मेरा ये धरना प्रदर्शनी जो हमारी ग्रुप ने किया हुआ है, ICC से वाले ग्रुप में हम उस ग्रुप में हैं और हमें 100% यकीन है कि हमारी मांगे पूरी होगी और इस पे मंत्री जी निर्णय लेंगे और हमारा पक्का होगा। देश विदेश और अपने शहर की लोकल खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। आपका मनपसंद न्यूज़ चैनल KPD न्यूज़, हक सच और इंसाफ की आवाज़ आपको रखे सबसे आगे।